इस समय बसंती कोल्ड स्टोरेज जलालाबाद क्षेत्र में अगर बात की जाए तो कोल्ड के बारंदे में आलू की कटाई हुई है और कई किसान भाई भी हैं कोल्ड में और कई व्यापारी लोग भी हैं। तो सभी लोगों से चर्चा होगी आज की तारीख में क्या स्थिति इस क्षेत्र में है, और अगर बात की जाए तो किसान भाई कई लोग बैठ के चर्चा हो रही तो आलू की बुवाई लगे तो लोगों से बातचीत करते हैं। श्रद्धा, क्या नाम है आपका? आसाराम। अपने यहाँ कच्ची आलू बुवाई वगैरह कब से चालू हो जाएगी? कोई अगर 15 दिन बाद कब तक चालू हुई? अरे 15 दिन बाद चालू हो जाएगी। 15 दिन बाद और क्या? तो अपना क्षेत्रीय कच्ची वाला है या पक्की आलू का क्षेत्र? कच्ची पक्की दोनों भाई मिले, मतलब कच्ची और पक्की बराबर मिलवा। तो आप लोगों ने बीज वगैरह छुटाने कुछ प्लानिंग की है, कब से करेंगे? व्यवस्था ही है कच्ची का, यानी मतलब छुटाने के लिए व्यवस्था है। हाँ, दो चार बताओ। हम इधर के रहने वाले नहीं है भैया, इधर के रहने वाले नहीं है। तो आप तो भैया इधर ही क्षेत्र रहने वाले होंगे? जलालपुर पनवारा। तो ये क्षेत्र है कच्ची वगैरह, कब से आलू बुवाई चालू करते हैं? ये अगले महीने की 20-25 तारीख से चालू होगा इधर। अच्छा, पक्की वाला है आपका क्षेत्र है? हाँ। तो आपने कोल्ड वोल्ड वगैरह आलू वगैरह रखा है? कुछ नहीं रखा है, अपना पर्याप्त भरा है हिसाब से बस। तो कुछ भेजा वगैरह है कि अभी इंतजार में? अभी तो नहीं भेजा है। क्या उम्मीद लगा रहे हैं, कितने तक में पहुंच जाएगा खाने? क्या कुछ उम्मीद नहीं लग रही है? लोग तो क्या, कुछ किसान भाई इंतजार कर रहे हैं कि 1000 रुपया पैकेट पहुंचेगा तब। अरे नहीं, 500 तो बिक जाए तो बहुत है, 500 तक बिक जाए तब भी बहुत है। तो क्या अनुमान कह रहा है, इस साल कच्ची जो किसान भाई हमारा गाय आलू करेंगे उनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब जाता हूँ भाई, या तो परमात्मा का आवाज बात है, अब इसके बारे में कुछ नहीं बता। अगर आलू की बात की जाए, न्यू आइलैंड वगैरह अपने इधर क्षेत्र में क्या चल रही है? न्यू आइलैंड भैया 400 रुपया। और कंचन सिंदूरी वगैरह क्या चल रहा है? सिंदूरी तो यहाँ नाके बराबर है, कंचन 250 से 60 रुपये। एक बात ये बताएं, जैसे अपना ये क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र में कच्ची आलू बुवाई उगाई वाली होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है, खूब होती है। ये कब से चालू हो जाएगी लगभग? ये भाई मानो आप छुटपुट तो सितंबर में, अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्पीड वाली। इससे क्या लगता है अपने क्षेत्र के जो स्टोर हैं उनमें क्या ये आलू जो रखा हुआ है आराम से निकल जाएगा या फंसता हुआ नजर आ रहा है? फंस जाएगा। अनुमानित अगर देखा जाए कितने परसेंट तक? अभी निकला है 30, इस कोल्ड में निकला है भाई 30 से 35%। नहीं लगभग कोल्डों का रेडियो लगभग 30 से 35 और 25 के आस पास ही लगभग रेडियो चल रहा है। 35% 2.5 लाख विकेट में वही निकला है, 90-85-90 हज़ार। तो क्या उम्मीद लगी 10% के आसपास लगभग फंसेगा? अपने यहाँ जो कच्ची बुवाई क्षेत्र है पिछाई वाला है, मतलब अगाई वाला नहीं? अगाई तिरवा ज्यादा आगे होता है यहाँ थोड़ा बाद। तो इस हफ्ते में क्या कुछ लग रहा है बाजारों में? देखो ट्रैक्टर लगा सामने, ये बीजे लेकर जाएगा। अच्छा, मतलब बीजे छुटाई चालू हो गई लगभग? छुटपुट चालू हो गई। तो अभी रेट वगैरह बीजा कुछ खुला नहीं? खुला वही 200 से 250 रुपया खुला जो एक दो। मतलब ये है कि कोई खास मतलब रेट उसमें आया? क्या लग रहा है इस साल कुछ उम्मीद है आलू के भाव में भी सुधार होने? जब यही पिला रहेगा तो कच्चे में क्या सुधार होगा? कच्चे में क्या सुधार होगा? बात तो यही है, जब यही पिला है तो फिर वो कच्चे को क्या सुधार होगा? तो वही स्थिति है। अगर बात की जाए कोल्डों की तो कोल्डों में फिलहाल में कटाई तो उस हिसाब से है, जिस हिसाब से अगर देखी जाए उस हिसाब की नहीं है जिस हिसाब की पिछली बार चलती रही। और अगर बात की जाए भंडारण की तो भंडारण इस क्षेत्र में कोल्डों में ज्यादातर संख्या में है। और अगर बात की जाए कच्ची बुवाई की तो कच्ची बुवाई पिछली साल के लगभग बराबर समय हो रही है, उसी टाइम से हो रही है। फिर मौसम के ऊपर, तो समय से बुवाई कच्ची हो रही है। तो इससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जिन किसान भाइयों का आलू स्टोर में है वो अगर एक थोड़ी अब रफ्तार के साथ अगर बेचते रहेंगे तो शायद उम्मीद है कि सही से निपट जाएगा, नहीं तो उम्मीद तो यही है कि आलू की पोजीशन फंसती हुई नजर